हेलो एवरीवन, जय सीएलसी। मेरा नाम है अभिनव मित्तल और मैं सीएलसी से क्लास 12th में जुड़ा था। मेरा नीट 2023 में स्कोर है 660 और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 4729। तो जब मैं सीएलसी में 12th के साथ जुड़ा था, तब मैं 11th बाहर से करके आया था, तो मुझे 11th की इतनी कुछ जानकारी नहीं थी कि 11th में क्या चीज़ कैसे पढ़नी है। मैं जैसे ही सीएलसी में आया, मैं यहाँ पे सीएलसी के सिस्टम के साथ जुड़ा और जैसा जैसा टीचर्स ने कहा वैसा ही मैं अपना काम करता गया। मैं आपके साथ अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि जब सीएलसी में मेरे मार्क्स शुरू में बहुत कम आ रहे थे, तब मेरी बॉस के साथ एक मीटिंग हुई थी फरवरी के टाइम में। तब बॉस ने मेरे से बोला था कि मेरी लाइफ के सक्सेस का एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा फिनिशर था। तो इस बात का मतलब ये है कि जैसे आप पढ़ने बैठ गए, आपने कोई एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो जब तक वो चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता, भले ही 4 घंटे बीत जाएँ, 6 घंटे, 8 घंटे, आपको उठना नहीं है। वो चैप्टर जब तक आप ख़त्म नहीं कर देते, तब तक आपको उठना नहीं है। तो इसी प्रकार जो बच्चों में रहता है कि जैसे 14 दिन का पेपर हो रहा है और लास्ट टाइम पे वो तैयारी करके जाते हैं, इससे पहले 11 दिन वैसे ही निकल गए और बोलते हैं कि हमने तो लास्ट टाइम पे तैयारी की है। तो ये चीज़ ऐसे ही ख़त्म होगी, जब तक आप एक चैप्टर को स्टार्ट करके पूरा ख़त्म नहीं कर देते, तब तक आपका जो है लास्ट टाइम वाला चीज़ सही नहीं होगी। सीएलसी इसने 11th जामनगर से की थी, जो इसकी मौसा जी ने करवाई थी। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की और उन्होंने पूरी तपस्या की। उसके बाद ये सीएलसी में आया तो सीएलसी वालों ने इसके लिए पूरी मेहनत करवाई। तो इसके मौसा जी को और बॉस को और सीएलसी की टीम को मैं पूरा पूरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। जय सीएलसी। मेरा नाम सौरभ जांगीड है और मेरे इस साल 655 मार्क्स है और पिछली बार 593 मार्क्स थे। 2 साल हो गए मुझे सीएलसी ज्वाइन करे हुए और मेरे मतलब पिछली साल जो गलतियां हुई थी उसको मैं इस साल मैंने कवर किया और अब की बार अच्छे मार्क्स लाए। और यहाँ के जो कैंप, यहाँ की जो स्टडी, यहाँ की जो बी बिल्डिंग, जो हॉस्टल है, उसकी फैसिलिटीज़ वो हर एक A1 है। थैंक यू। जय सीएलसी। मेरा नाम साहिल शर्मा है। इस साल मेरा स्कोर 655 है, पिछले साल मेरा स्कोर 587 था। सीएलसी में आकर मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला और इससे मैंने अपने स्कोर में बहुत अच्छा इंक्रीज़ किया। टीचर्स हमेशा हमारे साथ रहे जिससे कि हम इतना अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू।